हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर सीजन 2 के रिव्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिर्ज़ापुर सीजन 2 का रिव्यू जो कि आज अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो चुका है, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और दोस्तों मेरा आप यकीन मानिए कि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूँ इस सीरीज़ को लेकर। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से जाकर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का इंतज़ार खत्म हुआ और प्रोडक्शन हाउस ने आज 9 एपिसोड वाला सेकेंड सीज़न अमेज़न प्राइम पर निकाल दिया है। और दोस्तों हर एपिसोड की लंबाई करीब 44 to 53 मिनट्स की है। दोस्तों इस बार का मिर्ज़ापुर सीज़न इतना ही ज़्यादा लाजवाब है कि मैंने इसे वन गो में ही बिना ब्रेक लिए ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपने एक बार इस सीरीज़ को स्टार्ट किया तो आप इसे जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ही बेहतरीन है। सीज़न 2 की शुरुआत होती है सीज़न 1 के एक पूरे रिकैप के साथ, जिसमें आपको सीज़न 1 में सारे एपिसोड्स के एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है। क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस ने इस सीरीज़ को बहुत टाइम पहले देखा था तो वो अब तक शायद कुछ ना कुछ भूल गए होंगे, तो इसलिए सीज़न 2 में आपको सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है सीज़न 1 के लेकर। दोस्तों आगे वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको सीधा रिव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 को देखने के बाद मेरे मुंह से इसके लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस निकल रहा है, वो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि सीज़न 2 इतना ही ज़्यादा बेहतरीन है कि मेरे मुँह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाकर इसे देखिए, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। दोस्तों मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि सीज़न 1 के हमने एंड में देखा था कि बबलू और स्वीटी को मुन्ना भैया एक शादी में मार देते हैं, तो दोस्तों सीज़न 2 की शुरुआत होती है गुड्डू भैया के आँखों में वो बदला लेने के खौफ के साथ, जो कि वो मुन्ना भैया को मार कर लेना चाहते हैं। दोस्तों मुन्ना भैया को मारने के साथ साथ वो कालीन भैया के पूरे साम्राज्य को भी ख़त्म करने की ठान लेते हैं। दोस्तों सीज़न 2 में आपको गुड्डू भैया के साथ साथ शरद शुक्ला भी कालीन भैया के से बदला लेते हुए नज़र आने वाले हैं। गुड्डू भैया गोरखपुर के गैंग के साथ मिल जाते हैं और उन्हें लीड भी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी मुन्ना भैया से बदला लेना होता है। क्योंकि सीज़न 1 के एंड में जिस शादी को मुन्ना भैया तबाह करते हैं बबलू और स्वीटी को मार कर, वहाँ पर वो गोरखपुर के लोग और उनके गैंग के मेंबर को भी मार देते हैं, तो इसी वजह से उनका गुस्सा मुन्ना भैया और कालीन भैया के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वो लोग साथ मिलकर मुन्ना भैया और कालीन भैया के साम्राज्य को ख़त्म करने की ठान लेते हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला मिर्ज़ापुर सीज़न 2 के बारे में, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं आपको स्पॉइलर ज़रूर दे दूंगा, जो मैं नहीं चाहता। दोस्तों जब मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का ट्रेलर आया था तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था रिव्यू में कि इस बार का सीज़न 2 सीज़न 1 से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और लाजवाब होने वाला है। तो दोस्तों मैं सही था। यह सीरीज़ देखने के बाद मैं कन्फर्म हो चुका हूँ कि मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 सीज़न 1 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बेहतरीन है, क्योंकि मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 में आते ही अमेज़न प्राइम पर आग लग चुकी है और सभी व्यूवर्स इसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो दोस्तों कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 को नहीं देखा तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं आपको यही बताऊँगा कि आप फटाफट से जाकर मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 को देखिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये रिव्यू हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों अगर रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको मिर्ज़ापुर 2 का सीज़न कैसा लगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।